ढक्कन नहीं आ रही। और अब हम छोटा हो गया क्या? नहीं ठीक है, अब साग पर फोकस करेंगे। डालेंगे हम सरसों तेल। हम सरसों तेल ही खाते हैं अक्सर, और इस वाले तेल में ना झांस बहुत आती है, आंख से आंसू निकल आए। मैं ये सरसों तेल खाती हूँ। ये देख लो भाई, सरसों तेल पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल। तो इससे भी जो स्ट्रॉन्ग है ना, अगर बात करो तो वो फॉर्च्यून का है, वो पूरे आंख से आंसू निकाल देता है। ये वाला भी ऐसा ही है, वो वाला तो इससे भी स्ट्रॉन्ग है। और इसमें हम डालेंगे एक क्या, लहसुन। लहसुन तो चॉपिंग भी नहीं करा तूने, इतना मोटा मोटा। मुझे लगा ऐसी, तो इसको वो कूट देते ना। नहीं, अब कूटने का समय नहीं है। वैसे इसको चॉप करके भी डाल सकते हैं, वरना वो कूटने वाले से इसको कूट के भी डाल सकते हैं तो जूस बाहर आता है। मसल्स में डाल करके ये रहा ना था, देखो मेरा मसल्स भी इसमें थोड़ा क्रश कर सकते हैं। तो ऐसे कूट देते, पहले ही कूट देते हैं, थोड़ा बेटर है कि मतलब हल्का हल्का कूटना, चटनी नहीं बनाना, स्वाद निकल आता। नहीं नहीं, थोड़ा नहीं मतलब हल्का सा क्रश बस पिचक जाए, जूस बाहर निकालना है क्योंकि तेल में मिक्स होगा जूस, तभी तो टेस्ट आएगा। बस तेल गरम नहीं हुआ है, थोड़ा गरम होने दे। अरे हरी मिर्ची ले आओ फ्रीज। तो अभी भाई हरी मिर्ची काटनी पड़ेगी, वो भूल गए, तो वो मैं अभी करता हूँ। तो ये देखो दोस्तों, ये लहसुन तैयार है, अब हम डालेंगे। और थोड़ा सा उसमें ब्राउन हो जाएगा, फिर उसमें प्याज डालना है। अब इसमें पूरा स्वाद जो है घुल जाएगा। मिर्ची को भी चीर करके डालूंगी, उसको थोड़ा पानी मैंने कपड़े में पोंछ लिया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा। अब इसमें ये थोड़ा ब्राउन होने लगा है, इसमें जल्दी से हम प्याज डालेंगे। प्याज डाल दिया है और वो मिर्ची में भी चीरा लगा देंगे, और उसको धोया है तो एक वहाँ से चलाने वाला लिया। तो अब हम लाएंगे स्पैचुला। अबे ये क्या आ गया हाथ में, ये वाला ठीक रहेगा, ये वाला ठीक रहेगा ना, ये दूसरा कोई नहीं। अरे इसमें इतने सारे लटके हैं ना, अब मैं किस किस को उतारूं। ये लो ये वाला, इसको लटका के आता हूँ वापस। तो ये देखो भाई, इसको हम लटका लेंगे। कहाँ गया एक और का, जरा फोकस कर दे। अभी मिर्ची बीच में से चीरा लगा करके डालूंगी। हम लोग हरी मिर्ची बहुत बहुत ज़्यादा खाते हैं। अब बात यह है, मेरे पास अभी ट्राईपॉड नहीं है, ट्राईपॉड था पर वो खो गया, और ना इसलिए मेरा हाथ में इतना भारी ये है रिकॉर्डर। ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी आईपैड में, तो ये बहुत भारी है ना, तो इसलिए हाँ, तो लो भाई इसमें हरी मिर्ची डालेंगे। अब हरी मिर्ची मैं ढेर सारा डाल दी हूँ, अब थोड़ा सा पक जाएगा, फिर मैं उसमें अपना मैं साग। बात ये भी है ना, हमें जो मिर्ची है ना, हमें ज़्यादा तीखी मिर्ची खाने की आदत है। आपको तो जैसा लगे आप खाओ, जितना मर्जी आपको तीखा लगे। तो हम बहुत 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 तीखा खाते हैं। अरे भाई ये फूट रहा है, इससे मैं पीछे हो जाता हूँ। हाँ पीछे हो जाओ, कहीं आँख में मिर्ची का दाना चले जाएगा, इसलिए मैं पीछे हो गया। हाँ ऐसे ठीक है। अब ये जाएगी कढ़ाई में, फ्रिज में जरा मिर्ची रख के आते हैं। जो सामान जहाँ से उठाते हैं तो उसको वहीं पर रख देना चाहिए ताकि जल्दी मिल जाए, और हम सबको आदत भी है ऐसी, और ऐसा होना भी चाहिए। जो सामान जहाँ से उठाए वहाँ रख देना चाहिए, तो फटाक से मिल जाता है। कुछ लोग कहीं भी रख देते हैं, फिर ढूंढते रहते हैं, अरे सामान कहाँ रख दिया। ये भूनने के प्रोसेस में है, स्टीम होगा,
ये तो इसको टाइम लगेगा, तो कड़क है चीज। बस इसमें भी ज्यादा टाइम नहीं लगता, 20 मिनट में बन जाता है ये। खैर उसका तो हो ही गया लगभग, उसमें पानी मिलाना है और उसको थोड़ा स्टीम करना, तो उसका तो हम लगभग आपने देख ही चुका है उसका होना क्या है आखिर। अब इसका क्या होना है वो देखेंगे हम बस। अब ये डालने का टाइम आ रहा है, तो ये जो है इसमें जाएगा। इसमें मैं कोई मसाला नहीं डालती, बस ये प्लेन मिर्ची। नमक डाल दिया है? नहीं नहीं, नमक एंड में मतलब बाद में डालते हैं ना। इसमें कुछ मसाला नहीं डालेगा, इसमें यही लहसुन प्याज और सरसों का तेल है। देखो मैं चॉप नहीं करी हूँ और बिल्कुल ऐसे डालती हूँ, ये वैसे ही पक जाएगा उसमें। हाँ, तो इससे बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट भी आता है। हम कोई साग को ज्यादा चॉप नहीं करते, बथुआ को भी साबुत बनाते हैं, पालक को भी साबुत बनाते हैं। तो अभी क्या होने वाला है, हम ये अभी कढ़ाई में फिट नहीं आ रही है, तो इसमें हम ढक्कन डाल देंगे। नहीं फिट आ जाएगा, ये अभी थोड़ा गलेगा ना तब फिट आ जाएगी। इसमें ऐसे तीन चार प्रकार के थोड़े थोड़े मैंने साग ऐड किया है, वो आपको नहीं दिख रहा होगा बस। वो तो हम तोड़ के लाए थे ना, वो वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो ये हम पालक है, मेथी की साग भी है, पर वो मैंने मिलाया नहीं है, वो कल बनाऊंगी। तो वो जो वीडियो है ना जिसमें हम तोड़ने के लिए गए थे, वो वाली वीडियो देखना तो आपको समझ आएगा क्योंकि तो हमने इसमें क्या क्या डाला है। बस फिट हो गया और मैं अब इसमें डाल देना है ढक्कन। अच्छा नमक, ये देखिए हमने सॉल्टी होता है थोड़ा सा, इसीलिए नमक इसमें थोड़ा ही डाला जाता है। बस अब इसको ढक्कन लगाएंगे, स्टीम हो जाएगी और स्टीम होने के बाद पक जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना इसमें ढक्कन डाल देंगे, कितने मिनट छोड़ना है? लगभग 20 मिनट में तो हो ही जाएगा। हाँ इसको 10-15 मिनट में साग बन कर 10-15 मिनट में पक जाएगी। तो इस तरीके से ये जो साग है हमने आपको बोला था पका के दिखाएंगे, तो दिखाया और इस तरीके से ये साग पक जाएगा। आपको पसंद आया तो कमेंट करें, हाँ पसंद आया तो कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, और कुछ पूछना है तो कमेंट में वो भी पूछ लें। पूछ लीजिए, हम बताएंगे और दिखाएंगे और आगे कुछ बनाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि और, किस तरह और, से बनाते हैं। और इस वीडियो में मेरे साथ राहुल नहीं है क्योंकि मैं अपने घर पे हूँ। तो राहुल वीडियो देख रहा होगा, मुझे पता है तू देख ही रहा होगा। तो देख भाई यहाँ हम साग पका रहे हैं आज। तरीके से गल गया है और वो जो हम ड्रम स्टिक बना रहे थे वो भी बन गई है, वो भी बन कर गया अब। और सोजन बोलते हैं इसको, सब बता चुके हैं हम। इसको दिखा दो, मेरा भाई है ये, देखो हमारा भाई है। और ये शेफ बना रहे हैं अंडा, अंडो ये साग नहीं खाता है और ड्रम स्टिक भी नहीं खाता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से बन गए, हम इसको खाएंगे रोटी के साथ। और बनाने जा रहे हैं उसके साथ कुछ ये भी है, मैं थोड़ा लाइट टेस्ट करके दे रहा हूं। मिर्ची भी है बस, और अब रोटी बनेगी। हाँ रोटी बनेगी अब। तो चलो इसमें बताना इतना ही था। तो हमारी बकवास लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अभी बर्तन थोड़े साफ हो रहे हैं और ये सब तो पक ही गया है, तो इसके बाद बस इसके बाद रोटी के साथ इसको खाएंगे तो बहुत अच्छा बढ़िया लगेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ठीक है।